गाइज आप देख सकते हैं ये भैया हैं, ये डेली जो है यहाँ पे अल्लापुर की ये जगह है जो आगे जाके यहाँ पे कुंदन गेस्ट हाउस पड़ेगा। ये भैया यहाँ पे डेली जो है लाते हैं कुत्तों को खाना खिलाते हैं। देखिए कई सारे कुत्ते हैं जो भूखे पेट सोते हैं रोड पे, उनके लिए ये डेली बेस पे खाना बनवाते हैं, बनवा के ला के देते हैं। एंड कुछ कुत्ते हैं जैसे जो बीमार से पीड़ित हैं, जैसे देखिए कुत्ते के पीछे साइड पे आप देख सकते हैं जनरल सी चीज़ें हैं। देखिए इसके इसमें चोट लगा हुआ है प्राइवेट पार्ट में, तो ये इसके लिए भी दवा कुछ देते हैं। और इसको जो है इस कुत्ते को खुजली हो रही है बेचारे को, तो भैया जो हैं उसके लिए भी देखिए दवा दिए हैं। हाँ देखिए वहाँ पे भी देख के आ रहे हैं अभी चेस्ट ही। हाँ और काफ़ी बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, काफ़ी शानदार कार्य कर रहे हैं ये समाज के लिए, जो मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी तरीके से सराहनीय है ये। और मेन चीज़ ये है कि ये बेजवानों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। कई ऐसे बेजवान हैं जो भूखे सोते हैं, जैसे देखिए हम कह सकते हैं ना कि अगर ये एक तरीके से जीव कल्याण के तरफ आकर्षित होने वाली चीज़ों के प्रति है तो काफ़ी सराहनीय चीज़ें हैं। हाँ तो काफ़ी अच्छा है, देखिए ये लोगों का जानवरों के लिए खाना आया हुआ है। ये देखिए अभी आएंगे, अभी तो मान लीजिए नहीं खा रहे, इंटरेस्टेड नहीं है खाने के लिए, लेकिन अभी सारे जो हैं आएंगे वन बाय वन खाएँगे, जब इनको भूख लगेगी तभी खाएँगे, कोई ऐसा नहीं है। और वहाँ पर भी देखिए जानवर लोग खाना खा रहे हैं और आप देख सकते हैं। और ये भैया हैं, इनकी इनका वीडियो मैंने YouTube पे डाला था अभी एक शॉर्ट्स में। ये जो हैं यहाँ पे 35 साल से बंगाल के हैं, 35 साल से यहाँ पे हैं। और ये भैया जो हैं मतलब कि यहाँ पे रहते हैं और सेवा करते हैं, गौओं की सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिल रही हैं आज हमें। और ये देखिए खा रहे हैं कितने मन से खा रहे हैं। हाँ तो बढ़िया है, आशीर्वाद देंगे, रोवा रोवा आशीर्वाद देगा इन लोगों का। भगवान करे जो भी इन लोगों की सेवा कर रहा है उसको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो और हमेशा वो आगे बढ़ते। देखो वहाँ पे भी खा रहे हैं जानवर, यहाँ पे भी खा रहे हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने वीडियो को एंड करते हैं इसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।